हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें आप अपने क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th CBSE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। हालांकि जैसे आपको पता है कि CBSE की तरफ से हाफ ईयरलीज का कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है। स्कूल्स के अकॉर्डिंग जो हाफ ईयरलीज में सिलेबस आपको बताए जाएंगे, आपको वो चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स जो रहते हैं हाफ ईयरली के सिलेबस के लिए, आज हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। यहाँ पे हमने चैप्टर का नेम रियल नंबर्स लिखा है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है, उसके हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें नंबर लाइन। नंबर लाइन का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेज रहते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाता है रिप्रेजेंट रूट 2 और नंबर लाइन, रूट 3 और नंबर लाइन, रूट 5 और नंबर लाइन। ज़्यादातर रूट 2, रूट 3 या रूट 5 की नंबर लाइन रहती है। तो जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 की नंबर लाइन के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सिर्फ रूट 5 की नंबर लाइन के लिए पूछा हुआ है, लेकिन आपको रूट 2 और रूट 3 की नंबर लाइन भी प्रिपेयर करके जानी चाहिए एग्जाम के लिए। इसी तरीके से नंबर लाइन में आता है डेसिमल नंबर में, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ रूट 9.3 है, हमें इसको शो करना नंबर लाइन पे। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो एक्सरसाइज 1.5 में से क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर लाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 3 एंड एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स हैं। आप इन 4 पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ इसी टॉपिक के एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। इसके क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 18, 19 एंड 20, आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। नेक्स्ट इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर का टॉपिक रहता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इस चैप्टर का ईजीएस्ट टॉपिक में से एक है। एक्सरसाइज 1.6 जो है, आप वो पूरी फुल प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा एक्सरसाइज 1.6 प्रिपेयर करने में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी जो रिवाइज एनसीईआरटी मार्केट में इस ईयर से अवेलेबल हुई है, अगर आपके पास वो वाली बुक है, तो ये वाली एक्सरसाइज जो आपकी बुक में रहेगी वो 1.4 एंड ये वाली एक्सरसाइज जो आपकी बुक में रहेगी वो रहेगी 1.5। और लास्ट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो है हमारे पास कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे इसमें हमारे पास होता है 0.99 कि 0.99 है, उसके ऊपर बार है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। इसी पैटर्न में 0.67 बार कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाता है, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसी के साथ आप इस टॉपिक के एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना तो बहुत इजी रहता है, तो एग्जाम में आपको टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स नहीं मिलने वाले। कौन से मिलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। ये इस चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम साथ साथ डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.4, इफ़ यू हैव ओल्ड एनसीईआरटी देन एक्सरसाइज 2.4, अदरवाइज रिवाइज एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज आपको मिलेगी एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहेगा, इसमें हमारे पास एक मिसिंग टर्म रहती है के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले पैटर्न के क्वेश्चन हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनॉमियल। तो वो अदर पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, तो उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है बाय यूजिंग, उसमें हम फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करते हैं, और वो अप्लाई करके हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम के ही बेसिस पे होता है। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हमें या फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करना होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास जो टॉपिक रहेगा कौन से पॉलिनोमियल्स का रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना होगा किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे को फैक्टराइजेशन करना होगा वो करना होगा क्यूबिक
पॉलिनॉमिल्स का। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल वाला टॉपिक है वो विदाउट फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम हम कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बट जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूबिक पॉलिनॉमिल की स्प्लिटिंग जो होगी, जो उसमें हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, उसके लिए हमारे को फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल जो इस एक्सरसाइज में है वो एग्जाम्पल नंबर है 12, 13, 14 एंड 15। ये चारों एग्जाम्पल्स आप इन क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि कन्फर्मेशन है इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनॉमियल्स में से डिस्कस करते हैं, वो रहेगा हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं आपके सिलेबस में, टोटल 8 आइडेंटिटीज़ हैं एंड 1 एडिशनल जो आइडेंटिटी है कंडीशनल आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, तो टोटल अगर हम करें तो 9 आइडेंटिटीज़ हो जाती हैं। सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको सारी आइडेंटिटीज़ रिमेंबर करनी है क्योंकि फिर उनको अप्लाई करना आपको तभी आएगा जब आपको आइडेंटिटीज़ याद होंगी। तो उन आइडेंटिटीज़ के जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वैसे तो अगर हम बात करें तो जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है वो एक्सरसाइज 2.5 अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे या क्या रहेंगे उसकी बात तो बाद में, पहले वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी ही एक्सरसाइज नंबर 2.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बट स्टिल अगर हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करें जो ज़्यादातर एग्जाम्स स्कूल्स में रिपीट होते रहते हैं उन आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास क्वेश्चंस नंबर रहेंगे 3, 7, 8, 10, 12, 13 एंड 14। एंड जो 14th क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ जाता है, जो कंडीशनल आइडेंटिटी हम लास्ट में यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल आइडेंटिटी को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज से जो रिलेटेड एग्जांपल्स रहेंगे वो रहेंगे एग्जांपल नंबर 17, 20, 21, 23, 24 एंड 25। याद रखिएगा एग्जांपल्स में हमारे पास कंडीशनल आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमें वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्योंकि उसके रिलेटेड कोई भी एग्जांपल भी इस बुक में प्रोवाइडेड नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी चैप्टर, अगर हम कहें कि वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ द बुक जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा। इसमें से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास दो ही क्वेश्चंस हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो टॉपिक्स हैं वो यही रहेंगे कि हमारे पास एक फिगर गिवन होगी और उस फिगर में कुछ प्लॉटिंग हुई भी होगी पॉइंट्स की, और उन पॉइंट्स के हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उन पॉइंट्स के जो होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, नेम और टर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में रहेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल लाइंस जहाँ पे मीट आउट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मीट आउट करने वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उस पॉइंट को हम ओरिजन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये सारी टर्म्स आपको इस चैप्टर की क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो आपको क्वाड्रेंट्स के साइंस की अच्छे से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस पैटर्न का रह जाता है कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो आपको उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है तो आप साइन की हेल्प से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर में से कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स एंड नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ, जो कि हमारे पास रहेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स का रहता था प्रॉब्लम, लेकिन अब जब से सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो कुछ भी नहीं रहा चैप्टर में करने के लिए। सिर्फ क्या दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन गिवन होगी 2 वेरिएबल की और हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो आपसे 2 सॉल्यूशंस मांग सकता है, 4 सॉल्यूशंस भी मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे रहेगा, हमारे पास इक्वेशन रहेगी 2x + 4y
इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में भी कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है। और इन टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इधर यू कैन आस्क टू सॉल्व फाइंड फोर सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन। तो इसमें हमें सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए, और इनको इस टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी में हमारे पास रहेगा एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फोर सॉल्यूशंस ही पूछे हैं, कि फोर सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं एक्सरसाइज 4.2 में, कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें उनके फोर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इसी के सेम पैटर्न का एग्जांपल नंबर 4 रहेगा एनसीईआरटी में। एग्जांपल नंबर 4 जो है उसमें टू सॉल्यूशंस बोले हैं, कि फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टू भी आ सकते हैं, थ्री भी आ सकते हैं, फोर भी आ सकते हैं, फोर से ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, फोर सॉल्यूशंस मिनिमम आपको निकालने आने चाहिए। और इस चैप्टर में से जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास चेक वेदर द गिवन पॉइंट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। आपके पास कोई भी x, y के फॉर्मेट में पॉइंट गिवन होगा, 2, 3, -5, -6, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा और उसके साथ एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, तो चेक करना होगा कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। वो सिंपल है, हम उसकी वैल्यूज x, y की वैल्यूज पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, सॉल्व करके वैल्यूज पता चल जाएंगी कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इस टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्सरसाइज 4.2 में से ही क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको चेक करने के लिए बोला गया कि पॉइंट्स जो है वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास यूक्लिड्स के द्वारा प्रोवाइडेड एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स हैं, और हमारे पास जो एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत अच्छे से याद करके जानी है एग्ज़ाम के लिए। क्यों याद करनी है? 7 एग्जाम्स और 5 पोस्टुलेट्स एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड हैं। पेज नंबर 81 पे आपको 7 एग्जाम्स मिल जाएंगी। एग्जाम्स जो है टोटल 7 है और पोस्टुलेट्स टोटल कितनी है, 5 है। ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स आपको प्रिपेयर करके जानी है, लर्न करके जानी है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में क्या रहता है, राइट पोस्टुलेट नंबर 3 गिवन बाय यूक्लिड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पोस्टुलेट लिखने के लिए, तो अगर आपको पोस्टुलेट याद होगी तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्जाम्स को भी एंड पोस्टुलेट्स को भी। उसके बाद क्वेश्चंस जो रहेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, वो एक्सरसाइज 5.2 में से रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो होंगे वो इन्हीं एग्जाम्स और पोस्टुलेट के बेसिस पर सॉल्व होंगे। तो आपको पहले एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स लर्न करनी है, उसके बाद इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब हम चैप्टर नंबर 5 के बाद डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 6 रहेगा ज्योमेट्री का चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे भी ज्योमेट्री है तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट तो होना ही है। तो लाइंस एंड एंगल्स में हमारे पास जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले तो टॉपिक्स के में हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरम की। चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ एक ही थ्योरम है जिसका प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आपको आ सकता है, वो है थ्योरम नंबर 6.1। थ्योरम 6.1 बहुत ही सिंपल थ्योरम है। इसमें आपको क्या प्रूफ करना होता है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए आता है थ्योरम 6.1 में। तो ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, जितने भी पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस के अंदर को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन सब एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे वो इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पर सॉल्व होंगे। अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर करनी चाहिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप प्रॉपर्टीज़ को प्रिपेयर नहीं करोगे, प्रॉपर्टीज़ को क्लियर नहीं करोगे, तो आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं होने वाले। तो प्रॉपर्टीज़ क्लियर करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, और ऑल ओवर द एग्जाम्पल रहेंगे जो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इन सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपको पैरेलल लाइन के एंगल्स जितने भी होते हैं वो सब अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। अब जो चैप्टर नंबर 1 to 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसे तो ज़्यादातर स्कूल्स में जो सिलेबस रहता है हाफेली का वो चैप्टर 1 to 6 रहता है, बट स्टिल कई स्कूल में इन 6 चैप्टर्स के साथ साथ ही चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स
इफ यू हैव ओल्ड एनसीईआरटी देन चैप्टर 14, अदरवाइज न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 13 है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन चैप्टर डिलीट हो चुका है तो उसकी वजह से चैप्टर नंबर 13 हो गया है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर भी हाफ ईयरली में रहता है कई स्कूल्स के हाफ ईयरली सिलेबस में। तो चैप्टर नंबर 13 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे हिस्टोग्राम एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम बनाना आपको आना चाहिए, अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना आ गया तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन उसी की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो रहेगा, जिसमें जो हमारे पास क्लास साइज रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हिस्टोग्राम के ही क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो कौन से हैं, अनइक्वल क्लास साइज वाले हिस्टोग्राम में। तो इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा रहते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम के टॉपिक में से। उसके बाद फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज 14.3 में ही, सेम एक्सरसाइज में ही आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हमारे रहेंगे हाफ ईयरलीज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।